महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम जो काम से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है। परवीन बाबी से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में एक नाम जो कॉमन रहा वो है महेश भट्ट। बॉलीवुड में होने वाला हर विवाद कहीं ना कहीं महेश भट्ट से जाकर जुड़ जाता है, लेकिन इस बार जो आवाज भट्ट परिवार के खिलाफ उठी है वो आवाज अपनों की ही है। महेश भट्ट के भांजे साहिल की पत्नी लवीना लोध ने आरोप लगाया है कि उसका पति ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई करता है और इस पर उसे महेश भट्ट की शह मिली हुई है। लवीना ने कहा है कि महेश भट्ट बॉलीवुड के डॉन हैं और वो पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं। महेश भट्ट की पकड़ इतनी है कि थानों में उनके खिलाफ शिकायत तक नहीं लिखी जाती। लवीना के मुताबिक महेश भट्ट उसे घर से निकलवाना चाहते हैं। हालांकि महेश भट्ट ने लवीना के आरोपों को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि महेश भट्ट और विवाद एक दूसरे के सगे भाई हैं। पहली पत्नी के खिलाफ जाकर दूसरी शादी करना हो या फिर आतंकवादी जाकिर नाइक के साथ चाय पार्टी करनी हो, हर जगह महेश भट्ट ने उसूलों को ताक पर रखकर ही काम किया है। उनके खुद के बेटे राहुल भट्ट ने भी अपने पिता पर बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो वहीं सुशांत और रिया रिश्तों में भी दरार डालने के आरोप से भी महेश भट्ट नहीं बच पाए। महेश भट्ट का ध्यान अब वैसे भी फिल्मों से भटक चुका है। सड़क टू का जो हाल हुआ वो इस बात का गवाह है कि अब उन्हें मोह छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।